दियर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस डेट और यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स है आर्डर टू बाई टू समा आपके पास मैट्रिक थ्री बाई थ्री का होता है फोर बाई फोर का होता है तो उसको किस तरह आप एक्सपेंड करेंगे उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उसको डिस्कस करने के बाद यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कौन सी चीज़ों को आपने कंसिडर करना होगा फर्दर प्रोसीडिंग के लिए अब उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा या डिटर्मिनेंट जीरो होगा या जीरो नहीं होगा अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता इसके अलावा कोई भी नंबर होता है वो प्लस हो सकता है वो माइनस हो सकता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और इसके लिए आपने ये चीज़ जेन में भी रखनी होगी कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो उसको हम इन्वर्स की तरफ आगे प्रोसीड कर सकते हैं अदरवाइज हम अगले स्टेप पे मूव नहीं करेंगे वहाँ पे उसको स्टॉप कर देंगे सेकेंडली आपने ये चीज़ यू जेन में रखनी होगी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर एनी कॉलम आर ज़ीरो द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो अगर टू बाई टू का है उसका फर्स्ट रो ज़ीरो एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होगा या उसका फर्स्ट या सेकेंड कोई भी कॉलम जीरो होगा तो वो सारे का सारा जो उसका डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है आपके पास और थ्री बाई थ्री में भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे नंबर अगर जीरो होंगे तो उसका डिटर्मिनेट भी जीरो होगा जिसको हम कहते हैं वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी इसी तरह एक और चीज़ आपने इसके प्रॉपर्टीज़ uh, में इसके करेक्टरिस्टिक्स में जेन में रखनी होगी कि इफ़ यू हैव अ मैट्रिक्स ए और उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इज इक्वल टू दैट लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज के साथ या विदाउट ट्रांसपोज आपका डिटर्मिनेंट सेम हो जाएगा देन uh, आपने ये चीज़ जेन में रखनी होगी कि अगर uh, कोई भी टू रोज को टू कॉलम में कन्वर्ट कर दें या टू कॉलम को टू रोज में कन्वर्ट कर दें तो उसका जो डिटर्मिनंट है वो सेम होगा लेकिन सिर्फ उसकी साइन चेंज हो जाएगी इसके अलावा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी इसके बाद आपने ये भी चीज़ में रखनी है कि आपने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ लैमडा के साथ किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा या उसके डिटर्मिनेंट को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी वो दोनों इक्वल होंगे और इसके बाद ये चीज़ आपने जेन में रखनी होगी कि इफ़ टू रोज आर कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स आर जीरो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी ज़ीरो होगा और इसके साथ आपने एक और चीज़ इसकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि इफ़ वन रो आर कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ मल्टीपल ऑफ एन अदर रो एंड कॉलम अगर आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा जिसको हम कहते हैं वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी लास्ट थिंग कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनें फाइंड करते हैं इट्स ऑलवेज इक्वल टू सेपरेट सेपरेट ऑफ ऑफ ए एंड बी और उनको आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिसके लिए ये आप यूज कर सकते हैं ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट इन टू बी डिटर्मिनेट और ये दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लेके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे